हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं मणिपाल हॉस्पिटल में आज से 4 दिन पहले एडमिट हुआ था बिकॉज ऑफ लोअर बैक पेन। मेरे को इनफैक्ट एडमिट होने से 5 दिन पहले इनिशियली पेन स्टार्ट हुआ बैक में, लोअर बैक में, विच आई इग्नोर्ड। सोचा शुरू में शायद ठंड की वजह से होगा, देन ग्रेजुअली वो पेन काफी बढ़ता गया और एक कंडीशन ये आया ऑन 17th इवनिंग, इट वॉज सो सीवियर कि खड़ा होना ही बहुत मुश्किल था मेरे लिए। देन ऑन 18th आई टुक ए कॉल रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज कि मणिपाल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन द्वारका और नंबर वन हॉस्पिटल है, और सबने ये रिकमेंड किया कि आप प्लीज ट्रीटमेंट वहां पर कराइए एंड हॉस्पिटल इज वेरी गुड, इवन डॉक्टर्स आर वेरी क्वालिफाइड एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड। देन आई टुक ए कॉल एंड आई केम हियर ऑन 18th इवनिंग। इमरजेंसी में आया मैं और बिकॉज मैं चल नहीं सकता था, आई वॉज नॉट मोबिलाइज, वॉक करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। देन इमरजेंसी में डॉक्टर सौरभ वर्मा ने अटेंड किया मेरे को और उन्होंने सारा एग्जामिन किया, इवन सब कुछ देखा। देन फाइनली सिचुएशन इतनी वर्स थी मेरी बिकॉज मैं इनफैक्ट घर वापस भी नहीं जा सकता था। देन डॉक्टर्स ने कॉल लिया कि इट्स बेटर दैट मैं एडमिट हो जाऊं एंड सो दैट ट्रीटमेंट और अच्छा हो सके। देन ओके, हमने भी कॉल लिया कि ठीक है बिकॉज कंडीशन इज सो वर्स, मेरे चलना फिरना बहुत मुश्किल था एंड इट वॉज सो पेनफुल, मेरे वापस जाने बहुत मुश्किल था। अगर आई गॉट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल विद इन नो स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम टाइम में लोगों ने सिचुएशन को देखते हुए मेरा MRI किया, विच वॉज कमेंडेबल जॉब। लोग बहुत इग्नोर करते हैं इन सब चीजों पर, टाइम भी लेते हैं, बट आई थिंक मैं एडमिट हुआ था करीब 7 o'clock और 8:30 तक मेरा MRI हो चुका था और दिन वन आवर पहला टेस्ट कंप्लीट हुआ। देन आई वॉज शिफ्टेड टू माई रूम, रूम का ओरिएंटेशन बहुत अच्छा रहा, लोगों ने सब कुछ समझाया, वो शिफ्ट टू प्राइवेट वार्ड और फैसिलिटीज काफी अच्छी थी, मतलब नॉट लेस देन 5-star होटल, इवन एवरी फैसिलिटीज देयर, यू नो रूम इज डिजाइंड इन सच ए वे दैट ये जो पेशेंट के लिए काफी कन्वीनियंट है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चला। देन सेकेंड डे जब MRI का जो रिपोर्ट आया उसमें मेरे प्रॉब्लम थी L4-L5 स्पाइन जो होता है उसमें लोअर डिस्क में प्रॉब्लम थी एंड नर्व कंजेशन था, मेजर नर्व कंजेशन था। और डॉक्टर सौरभ वर्मा ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया मेरे को, हर चीज बहुत एक्सप्लेन किया और उन्होंने प्रोसीजर बताया स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे इसको और फर्दर कैसे उसको आगे कैरी कर सकते हैं और उसको कैसे इसका ट्रीटमेंट हम ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इनिशियली यू नो हम बिल्कुल लास्ट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जो लास्ट ऑप्शन है हम ग्रेजुअली बढ़ेंगे, जो पेन मैनेजमेंट सबसे पहला ऑप्शन होता है। तो दे स्टार्टेड विद द पेन मैनेजमेंट, तो उनमें क्या होता है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट देखते हैं जिसमें आपको जो फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता है वो होता है और प्लस जो पेन किलर के ऊपर रखते हैं बिकॉज ऑफकोर्स किसी के लिए डॉक्टर के लिए भी उनके लिए भी बहुत वो होता है कि नहीं किसी भी पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए बिकॉज पेन एक ऐसा चीज है, दर्द जो हमेशा एक पेशेंट अवॉइड करता है और डॉक्टर नहीं चाहते किसी को पेन। तो 2 दिन ट्रीटमेंट चला बट अनफॉर्चुनेटली कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। देन जो सेकेंड फेज था जिसमें ब्लॉक दिया जाना था मेरे को जो स्पाइन के अंदर था, इट्स नॉट अ सर्जरी, इट्स अ काइंड ऑफ इंजेक्शन व्हिच ही हैज टू गिव मी ऑन दिस इन द स्पाइन। और देन वी टुक ए कॉल 20th इवनिंग की नहीं हम ब्लॉक के लिए जाएंगे और 21st को ब्लॉक दिया गया मुझे। इमीडिएटली आफ्टर यू नो आफ्टर ब्लॉक जब दिया गया उसके 15 मिनट बाद पैरों पर खड़ा हो गया और ऐसा लगा कि मतलब मिरेकल है मेरे लिए बिकॉज मैं पिछले एक हफ्ते से जो खड़ा नहीं हो पा रहा था वो बिल्कुल आराम से मैं बैठ कर खड़ा हुआ और मूव करने लगा। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि नहीं लोकल एनेस्थीसिया प्लस ब्लॉक दिया गया है, 4 घंटे का आपको फिर रेस्ट था, फिर 4 घंटे रेस्ट लिया। बट मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी डॉक्टर्स इतनी मतलब अच्छी तरह से चीजों को समझाया, इतनी अच्छी तरह से चीज कैरी किया और इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया विद इन शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम जो मेरे को खड़ा कर दिया उन्होंने, इट्स मिरेकल और मैं बहुत ही सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर्स बड़े ही बहुत अच्छे हैं और ये हॉस्पिटल नो डाउट मतलब मेरे लिए तो दिल्ली का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है।